दिल की बात में आज जो हमारे पास कहानी आई है वो हानिया ने भेजी है। और हानिया लिखती है कि उसके काम ना करने की वजह से उसके भाई को डांट पड़ी और अब वो उसे नाराज भी है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। ये तो वाकई बहुत गलत हुआ और कुछ अर्सा पहले कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरे पास इसका हल भी है। देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आज फिर टीचर ने मुझे क्लास से बाहर खड़ा करके तुम्हारी शिकायत की है। मैं अपना काम वक्त पर ख़त्म करने की कोशिश करती तो हूँ, नहीं कर पाती तो क्या करूँ। अगर तुम अपना काम वक्त पर ख़त्म करो तो रोज़ रोज़ की ये डांट ना सुननी पड़े। मिश्मा, तुम अनाया से क्यों लड़ रही हो? आज फिर टीचर ने मुझे इसकी शिकायत की है। पता नहीं वो इसे क्यों कहती हैं। अनाया, एक तो आप लापरवाही करती हैं, ऊपर से शिकायत कर रही हैं। आपका काम आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप छोटी चीज़ों में लापरवाही करेंगे तो बड़ी जिम्मेदारियाँ कैसे उठाओगे। कलाम मुकद्दस भी हमें यही सिखाता है कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। अनाया ने तो मरियम की बात सुनकर उस पर अमल भी किया और अब मुझे उसकी कोई शिकायत भी नहीं आई। हानिया, आपको भी अपना काम वक्त पर अंजाम देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी हानिया की तरह किसी लापरवाही का सामना करते हैं तो कलाम मुकद्दस की इस आयत को हमेशा याद रखें। गलतियों उसका छठा बाप और पांचवी आयत में यूं लिखा है, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा और हमें भी चाहिए कि हम अपना काम जिम्मेदारी के साथ और वक्त पे करें। अब जाने से पहले मैं दुआ करना चाहती हूँ। एकदमन में हानिया और तमाम दोस्तों के लिए दुआ करती हूँ ताकि आप उनकी मदद करें और वो अपना काम वक्त पर अंजाम दे सकें। आमीन। दोस्तों, बाइबल हमें सब चीज़ों का हल बताती है और दिलेरी से उनका सामना करना भी सिखाती है। अगर आप भी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो हमसे कर सकते हैं अपने दिल की बात और हम कर रहे हैं आपके मैसेज का इंतज़ार। तो मिलते हैं अगली दफ़ा और जानते हैं आपके दिल की बात ओनली ऑन पाक 7 किड्स।